हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सॉरी गुड मॉर्निंग ठीक है सुप्रभात हाँ बिल्कुल आ गए गुड मॉर्निंग ऋषभ शुक्ला गुड मॉर्निंग विमल चलिए ओके तो जो लोग चले गए सभी लोग आ जाओ भाई क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है गुड मॉर्निंग सभी को आवाज़ मेरी आ रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना आवाज़ आ रही है मेरी आ रही है ना ओके गुड मॉर्निंग शालिनी गुड मॉर्निंग विमल चलिए स्टार्ट करें सभी लोग स्टार्ट करें ठीक है ओके तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कह रहा है चर्चित फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो है वो किस देश में स्थित है इंग्लैंड अमेरिका ब्राजील या फिर कनाडा फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अभी हाल ही में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से रिलेटेड जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आई कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया जहाज़ टकरा गया ठीक है तो इस वजह से ये जो आपका है चर्चा में आया तो इसको हम देख लेते हैं हमारा राइट right आंसर जो है वो क्या हो जाएगा राइट right आंसर है कि ये फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज है अमेरिका में कहाँ पर है भाई अमेरिका में है कहाँ पर है अमेरिका आप देख सकते हो ये बना हुआ है देखो ठीक चलो <coughs> अमेरिका के मेरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज में कंटेनर जहाज टकरा गया ठीक है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अमेरिका की पटाप्सको नदी पर बना हुआ था ठीक है और फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के बारे में देख लो ये जो पुल है ये तेईस मार्च उन्नीस को खोला गया था जिसका नाम शौकिया कवि फ्रांसिस स्कॉट की द ये कवि की जो है डेट दी हुई है सत्रह से अठारह इनके नाम पर रखा गया था जो अमेरिकी राष्ट्रगान स्टार स्पेंगल्ड बैनर के गीत के लेखक हैं ठीक है फ्रांसिस स्कॉट लेखक हैं वहाँ अमेरिकी राष्ट्रगान के अमेरिकी राष्ट्रगान क्या है द स्टार स्पेंगल्ड बैनर ठीक है इसके वो लेखक हैं और उन्हीं के नाम पर इस जो पुल का नाम रखा गया था इसकी ब्रिज का नाम रखा गया था पुल की कुल लंबाई कितनी 8636 फीट है ठीक है कितनी मीटर में है कितनी मील में है ये भी आपको दिया हुआ 1.6 माइल जो इसकी है वो लंबाई है ठीक है चलिए तो ये है स्कॉट की ब्रिज के बारे में कुछ डिटेल्स और अभी ये हम लोगों ने क्यों इसके बारे में देखा क्योंकि यहाँ पर एक कंटेनर जहाज जो था वो टकरा गया इस वजह से आ, जो है हम लोगों को इसके बारे में हम लोगों ने देखा ठीक है चलिए नेक्स्ट uh, क्वेश्चन पे आते हैं ठीक रीजनिंग का क्लास नहीं चल रहा है शालनी कब से नहीं चली है रीजनिंग की आई थिंक एक या दो दिन से नहीं चली होगी हो सकता हो फेस्टिवल की वजह से मैम की तबीयत खराब हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजेंद्र गुड मॉर्निंग यूनिवर्स चलो ठीक है आशीष पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाती है ठीक है टेलीग्राम पर सभी लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी सभी लोगों को ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी परेशान ना हो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको ऑलरेडी पिन कर दिया गया है उसी को आप ज्वाइन कर लेना चर्चा में रहा एथरन गरम ठीक है ऐतुरंत गरम वन्य जीव अभ्यारण जो है वो किस राज्य में स्थित है कह रहे तेलंगाना में तमिलनाडु में गुजरात में या कर्नाटक में सभी लोग आंसर कीजिए ऐतुरंत गरम जो अभ्यारण है वो किस राज्य में स्थित है ठीक है कौन सी राज्य में स्थित है हरियाणा ने आंसर किया है ऑप्शन ए यूनिवर्स ने ऑप्शन आंसर किया है तेलंगाना यानी कि ऑप्शन ए ठीक है वेरी गुड बिल्कुल सही है तेलंगाना इज द राइट right आंसर तेलंगाना में है ठीक एतरन गरम वन्यजीव अभ्यारण ठीक है बिल्कुल ठीक है वेरी गुड तेलंगाना इज द राइट आंसर देख लेते हैं ठीक तेलंगाना के एतरन गरम वन्यजीव अभ्यारण के तयडवई क्षेत्र में जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है ठीक है एतरन गरम वन्यजीव अभ्यारण के बारे में देख लीजिए स्थापना कब हुई थी 1953 में और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं के पास स्थित है जो कि दयाम वागू नदी से घिरा हुआ है ठीक है अभी रिसेंटली इसमें क्या हो गया है जंगल में आग लग गई है जंगल में आग अपने आप जो है वो लग जाती है कई बार होता क्या है कि आ, हवा के चलने से पत्तों के आपस में घिसने वगैरह से आग जो है लग जाती जैसे एक बार अमेजोन के जंगलों में आग बहुत भीषण लग गई थी ठीक है तो इसलिए कुछ प्राकृतिक रीजन रीजन से भी आग जो है वो लग जाती है अपने आप लग जाती है ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग मोहम्मद हुसैन मॉर्निंग राजेंद्र गुड मॉर्निंग सतीश ओके गुड मॉर्निंग राधिका चलो तो ये देख लो यहाँ पे मैप दिया गया है तेलंगाना का ठीक है ये यह देखो यहाँ पे ये है हैदराबाद ठीक थे? ठीक है हैदराबाद ये है ये देखो नलगोंडा है खम्मम है इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है थे. तो ये हैदराबाद है ठीक चलिए यहाँ तेलंगाना का ये मैप था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान कीसु ब्राह्मणंद रेड्डी नेशनल पार्क है महावीर हरिना वन राष्ट्रीय उद्यान मुरवानी राष्ट्रीय उद्यान तीन ये राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं जो कि आपके कहां पे स्थित है कॉमा लगा देंगे यहां से अलग है ठीक है तो ये तीन राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो कि आपके कहां पे स्थित है तेलंगाना राज्य में स्थित है ठीक है क्लियर है एक कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है फिर एक है महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान फिर एक है मुरुवनी राष्ट्रीय उद्यान ठीक चलिए विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे ये कब मनाया जाता है तो देखो ये तो सभी लोग बता देंगे लिखी गया है ठीक है लिखा ही हुआ है सत्ताईस मार्च को विश्व रंगमंच दिवस जो है वो मनाया जाता है कब मनाया जाता है सत्ताईस मार्च को मनाया जाता है यानी किस चीज़ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा देख लो ये थिएटर इस तरीके के होते हैं जैसा बना हुआ है तो यहाँ पे जो है सामने रंगमंच यानी नाटक वगैरह चलता है लोग सामने चेयर पर बैठे रहते हैं ना इस तरीके से और जो नाटक है उसका मंचन किया जाता है अब नाटक का मंचन अभी भी होता है पर लोग काफ़ी कम इंटरेस्ट लेते हैं जब से मूवीज वगैरह चल गई तब से नाटक वगैरह में इतना कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है थिएटर में विश्व रंगमंच दिवस 2024 की थीम थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस है क्या है थिएटर एंड कल्चर ऑफ़ पीस ठीक इस बार की थीम जो है विश्व रंगमंच की शुरुआत वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट आईटीआई के द्वारा की गई थी ठीक है किसके द्वारा आईटीआई के द्वारा आई आई अब ये आईटीआई आई वो वो वाला आईटीआई नहीं जो लोग करते हैं ठीक है ठेके? ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है चलिए 1961 में स्थापना की गई थी क्लियर है केंद्र सरकार ने किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है सभी लोग बताएंगे ये देखो फोटो भी बना हुआ है इनका ठीक सभी लोग बताएंगे क्या नाम है आर के भटनागर अर्चना राम सुंदरम पीयूष आनंद अतुल करवाल सभी लोग बताइए এক মিনিট রুকিয়ে গা জরা चलिए ओके तो यहाँ पे सभी लोग आंसर कीजिए जो भी फालतू के कमेंट कर रहे हैं आ, होता क्या है कि इस टाइम टीम एक्टिव नहीं रहती बाकी मैंने बोल दिया है ठीक है टीम इस टाइम एक्टिव नहीं रहती है पर कल से मैं ये भी कह दूंगी कि इस टाइम भी मुझे टीम जो है वो एक्टिव रहे ताकि जो फालतू के कमेंट्स करते हैं ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक किया जा सके ठीक है चलो कोई बात नहीं ठीक है ओके देखिए क्या हो जाएगा केंद्र सरकार ने किसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई सी ऑप्शन पीयूष आनंद को किसको पीयूष आनंद हैं ये ठीक है इनको एनडीआरएफ का नया महानिदेशक घोषित किया गया है देख लीजिए केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है पीयूष आनंद उत्तर प्रदेश कैडर के उन्नीस बैच के आई अधिकारी हैं ठीक है ठीके? किस बैच के हैं भाई उन्नीस बैच के आई अधिकारी हैं ठीक पीयूष आनंद ध्यान दीजिएगा पीयूष आनंद को पूर्व महानिदेशक अतुल करवाल के स्थान पर नियुक्त किया गया है पीयूष आनंद का नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यकाल जो है वो दो साल का रहेगा ठीक है स्थापना कब हुई थी 2006 में हुई थी एनडीआरएफ की ठीक है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना जो है वो हुई थी ठीक है अच्छा इनका कार्यकाल जो है वो कितना रहेगा दो साल का रहेगा महानिदेशक के तौर पर ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट देख लीजिए नियुक्तियां आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ठीक है चलिए ओके चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है थीके? कोई बात नहीं आप लोग परेशान मत हुआ करिए ठीक है और जो भी फालतू के कमेंट करेंगे उनको वैसे भी क्लास में तुरंत ही ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी क्लास में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है सिर्फ हम लोगों को ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए जो अच्छे से पढ़ते हैं अच्छे से आ, सारे चीज़ों को समझते हैं ठीक है थीके? ऐसे स्टूडेंट चाहिए फालतू के स्टूडेंट किसी को नहीं चाहिए चलिए क्वेश्चन <coughs> पे आते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन ठीक है एनडीआरएफ का भी और एनआईए का भी जो अपॉइंटमेंट ये हो रहा है ये दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ठीक है ठीके? तो हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते को कृष्णाकांत मुखर्जी को विनायक सिंह को या फिर दलवीर सिंह को किसको नियुक्त किया गया है भाई फिर से देख लो किरस सदानंद वसंत दाते को कृष्णाकांत मुखर्जी को विनायक सिंह को या फिर दलवीर सिंह को तो इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सदानंद वसंत दाते ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा भाई सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है ठीक है क्लियर है सभी को चलो देख लेते हैं महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख सदानंद वसंत दाते को इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ठीक चलिए सदानंद वसंत दाते को पूर्व महानिदेशक दिनकर गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया यानी कि पहले एन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे एन के जो है महानिदेशक कौन थे वो थे दिनकर गुप्ता ठीक है अब कौन है अब है सदानंद वसंत दाते ठीक है चलिए क्लियर है सभी को ओके सबको क्लियर है ना चलो चलो नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हाल ही में खबरों में रहा पोएम थ्री मिशन जो है वो किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है पोएम थ्री मिशन ठीक है हाल ही में खबरों में रहा पोएम थ्री मिशन जो है वो अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन से नासा के द्वारा जाक्सा के द्वारा इसरो के द्वारा या सी के द्वारा सब लोग बताइए पोएम थ्री मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है गुड मॉर्निंग संदीप जल्दी से बताओ सभी लोग चलो सभी लोग बताइए चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले इसी का हाँ पहले इसका आंसर देख लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर कर रहे हैं पहले फिलहाल मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया ठीक है ब्लॉक करने के रिगार्डिंग लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा सा जो है कोई टीम एक्टिव नहीं क्योंकि मॉर्निंग की क्लास होती है इतने जल्दी कोई नहीं देख पाता तो इसका फायदा जो है बहुत से लोग उठाते हैं ठीक है चलिए हाल ही में खबरों में रहा पोएम थ्री मिशन जो है वो अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया किसके द्वारा बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स ने आंसर किया है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है बिल्कुल ठीक है ठीक है जिसने जिसने भी इसरो आंसर किया है बिल्कुल ठीक है इसरो का पी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल थ्री यानी कि पोएम थ्री जो है वो मिशन ऑर्बिट में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया है ठीक है पॉइंट थ्री इसरो का पी एस एल वी सी फिफ्टी एट एक्सपो सेट मिशन था जिसे एक जनवरी को लॉन्च किया गया था ठीक है चलिए और देख लीजिए लॉन्चिंग जो है इसकी कहाँ से हुई थी लॉन्च हुआ था एक जनवरी दो हजार चौबीस को कहाँ से लॉन्च हुआ था श्रीहरि कोटा से लॉन्च हुआ था ठीक है लॉन्चिंग रॉकेट इसका क्या था पी एस एल वी सी फिफ्टी एट था ठीक है और इसका उद्देश्य क्या था यह था ब्लैक होल आदि अंतरिक्ष घटनाओं का अध्ययन करना ब्लैक होल आदि अंतरिक्ष घटनाओं का अध्ययन करना ठीक है चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक जो है वो कहां आयोजित की गई ऑस्ट्रेलिया में जापान में भारत में या स्विट्जरलैंड में सभी लोग बताएंगे 148वीं अंतरराष्ट्रीय संघ की जो बैठक है वो कहां पर आयोजित हुई थी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी जापान में हुई थी भारत में हुई थी या फिर स्विट्जरलैंड में हुई थी बताइए सभी लोग एक्चुअली जितनी भी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत लेट नाइट तक वर्क करते रहते हैं इसकी वजह से जो है सुबह जल्दी उनका नहीं शायद उठना हो पाता है तो उसी का जो है कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं चलो भाई यहाँ पे आंसर आने लगे हैं स्टूडेंट्स के हम्म ओके चलिए ठीक है भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं डी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है चलिए तो ऑस्ट्रेलिया जापान भारत या स्विट्जरलैंड बिल्कुल ठीक है जो भी लोग स्विट्जरलैंड बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है ठीक है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में देख लीजिए ये एक सौ अड़तालीसवा आईपीयू असेंबली ठीक है तेईस मार्च से लेकर सत्ताईस मार्च दो हजार चौबीस तक ये चला है एक सौ अड़तालीसवीं अंतर संसदीय संघ की बैठक जो है वो 23 से 27 मार्च 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई ठीक है एक अंतर संसदीय संघ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व तो जो है वो किसने किया है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया ठीक है किसने किया राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया ठीक है चलिए अच्छा डब्ल्यू का जो मुख्यालय है वो कहाँ है कोई बता सकता है डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय डब्ल्यू एच ओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है सभी लोग बताइए जल्दी से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यू एच ओ सब लोग बता सकते हैं कि उसका मुख्यालय उसका हेडक्वार्टर कहां है ओके वेरी गुड वेरी गुड यहाँ पे आंसर आने लगा जिनेवा मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि ये भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ और वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड से ही रिलेटेड है डब्ल्यू का जो मुख्यालय है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ पे है जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है ठीक है चलिए वेरी गुड वेरी गुड एवरी ठीक है तो इसको हम लोगों ने देख लिया ये हमारा तेईस से सत्ताईस मार्च तक जो है ये संसदीय बैठक चली है अंतर संसदीय संघ की बैठक थी एक सौ अड़तालीसवीं थी क्रम भी पूछ सकता है कौन सी थी तो एक सौ अड़तालीसवीं थी ठीक है और किसने जो है प्रतिनिधित्व तो किया है इंडिया का किया है उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने क्लियर है सभी को कहाँ पे हुआ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वेरी गुड नेक्स्ट पे आओ हाँ पहले ये देख लो इसको देख लो ठीक है आईपीओ के बारे में देख लो ये संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी नवासी में हुई थी मुख्यालय कहाँ हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है सदस्य देश कितने हैं टोटल एक सौ अस्सी है ठीक है थीके? इस समय के अध्यक्ष कौन है तुलिया एक्सन है ठीक है उद्देश्य क्या है संघ के सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना क्लियर है सभी को चलिए ध्यान में रखना वर्तमान अध्यक्ष ध्यान में रखना टोटल देश ध्यान में रखना हेडक्वार्टर ध्यान में रखना स्थापना वर्ष ध्यान में रख लो ठीक है वैसे स्थापना वर्ष इतना नहीं पूछा जाएगा सबसे ज्यादा आपसे मुख्यालय और वैसे स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है याद होना चाहिए ठीक चलो ये देखो फोटो देख के तो आप लोग ही गए होंगे कि कौन से प्लेयर हैं ठीक है पूछ रहा है कि किस शर्मा को या तो आप लोग फोटो देख करके भी समझ गए होंगे और पता भी होगा मोस्टली लोगों को कि कौन है नीरज चोपड़ा है कौन है भाई नीरज चोपड़ा है क्या है जेवलिन थ्रोवर है ठीक है जेवलिन थ्रोवर है यानी कि भाला फेक प्लेयर हैं जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं ठीक है ठीके? भाला फेक में जो है ये खेलते हैं चलिए देख लेते हैं नीरज चोपड़ा ठीक है संबंधित राज्य क्या है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं हरियाणा से ठीक उपलब्धि क्या रही है सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी गोल्ड मेडल ठीक है चलिए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स जो कि 2023 में हुआ था हांगजो में चाइना के हांगजो में हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक है टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 2020 के उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक है मतलब जीतेंगे तो गोल्ड जीतेंगे नहीं तो नहीं जीतेंगे ठीक है चलिए अर्जुन पुरस्कार इन्हें वर्ष 2018 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 2021 का दिया गया था जो कि भारत का सर्वोच्चतम खेल सम्मान होता है ठीक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पद्मश्री मिला था ये सिविलियन अवार्ड होता है चौथा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड होता है किस वर्ष का पद्मश्री मिला है 2022 का पद्मश्री मिला है ठीक है चलिए इसके अलावा मैंने आपको बताया था अर्जुन पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है वो भी आपका खेल पुरस्कार है ठीक है प्लेयर्स को दिया जाता है और ऐसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है प्लेयर्स के कोचेस को दिया जाता है ठीक को है चलिए एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट चलो तो कोई बात नहीं आप लोग परेशान मत हो ब्लॉक हो जाएंगे ठीक है चलिए थैंक यू हरिया गुड मॉर्निंग महक गुड मॉर्निंग महक चलिए तो सभी को क्लियर है नीरज चोपड़ा के बारे में डिटेल्स हम लोगों ने देख ली सबको क्लियर है ना चलिए ये ध्यान में रखिएगा कौन कौन से में जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जो हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में ठीक है हंगरी की बुडापेस्ट में उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने एशियन गेम्स जो हुए थे दो हजार तेईस टोकियो ओलंपिक दो में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक है चलिए देखो क्या लिखा हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूर्ण हुए चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता तो करता कौन थे ठीक है तो ये देखो लोग तो जो है पेड़ से क्या है चिपक रहे हैं ये अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए वहां के लोगों ने क्या शुरू कर दिया था वहाँ के लोगों ने ये शुरू कर दिया था कि पेड़ों को वो पेड़ों को गले लगा करके खड़े हो जाते थे अब क्या है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति पेड़ को गले लगा कर खड़ा हो जाएगा और हटेगा नहीं तो पेड़ों को काटा नहीं जा पाएगा ठीक है और इसी वजह से जो है इसी वजह से पेड़ सुरक्षित रहते थे पेड़ बच जाते थे और इनको बचाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भाई देखो पेड़ जो है वो क्या है हमारे समझ लीजिए सबसे बड़े हितैषी हैं ठीक है पेड़ क्या करते हैं भाई ऑक्सीजन देते हैं हमें ठीक है और खुद क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं इसके अलावा लकड़ी है फल है सारी चीज़ें हमें पेड़ों से ही तो मिलती है तो पेड़ हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम लोग पेड़ों को ही काट रहे हैं ठीक है ये तो एक तरीके से ऐसे ही हो गया कि आप मान लीजिए कोई आपका मित्र है या कोई आपका चाहता जो आपके लिए सारा कुछ अच्छा करे और आप अंत में जाके उसी का बुरा करें ठीक है या उसको मार दें तो ये कितनी बुरी बात है कि अगर हम पेड़ को काटते हैं और फिर देखो जीवित वृक्ष काटना जो है वो अपराध है अगर आप सूखा पेड़ जो है वो काट सकते हैं लेकिन जीवित वृक्ष काटना एक अपराध है लेकिन क्या है कि आजकल पेड़ों की ठीक है वुडन फर्नीचर्स हो गए इसके अलावा जो घर में आजकल वुडन बहुत सारा वर्क होने लगा है और और तो और जो हमारे जितने भी हम लोग कॉँपी किताबें हैं उसे पढ़ते हैं वो जो कागज़ वगैरह बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी लकड़ी बांस वगैरह का यूज होता है तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से पेड़ जो हैं वो कटते हैं हालांकि हमारी दैनिक ज़रूरतें तो हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है हम लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं जो हमारे जितना भी आ, सारी चीज़ें नेचर ने दी है उसका कहीं ना कहीं हम लोग गलत तरीके से भी मिस कर रहे हैं ठीक चलिए कोई नहीं तो यहाँ पे जो पूछ रहा है यहाँ पे जो पूछ रहा है हमसे वो पूछ रहा है कि इस नेतृत्व के आंदोलनकर्ता जो थे वो कौन थे ठीक तो है नेतृत्व के आंदोलनकर्ता तो बिल्कुल ठीक है सभी लोगों ने आंसर भी किया है ठीक है वेरी गुड सुंदरलाल बहुगुणा ठीक है सभी लोगों के आंसर मैंने देखे सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक चलिए देख लेते हैं हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन के पचास वर्ष और इस तो 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 कौन थे सॉरी सतीश भट्ट या महर्षि आनंद तो राइट आंसर शुरू हुआ था आंदोलन 1973 में उत्तर प्रदेश के खमोली जिले जो कि अब उत्तराखंड में क्योंकि पहले ये यूनाइटेड प्रांत हुआ करता था यूपी जो है हमारा और उत्तराखंड यानी कि यूके जो है वो मिला हुआ था है ना? तो बाद में ये। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, का पुरस्कार मिला है उन्नीस सौ चौरासी का जमनालाल बजाज पुरस्कार भी जो है वो मिला है दू... भी... तो क्या कह रहा है हार्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है पंजाब ने एमपी ने यूपी ने लोग बताएंगे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कमेंट पे बताओ भाई अभी आवाज आ रही सभी को प्लीज कमेंट में बताइए सभी को आवाज़ आ रही सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई अभी वॉइस आ रही है ओके आ रही अंकित ओके ठीक है चलिए मैं पिछला वाला फिर से एक बार जो है वो रिपीट कर देती हूँ बिकॉज आवाज जो है वो चली गई थी जैसा कि आप लोग बता रहे हो तो चलो एक बार देख लो चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में 1973 में स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश के चमोली जिले क्योंकि पहले जो था ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत हुआ करता था पहले यूपी में मिला हुआ था ठीक है अब उत्तराखंड इसमें हुई थी मतलब 1973 में अब क्या हो चुका है उत्तराखंड ठीक है प्रमुख नेता कौन थे सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद भट्ट थे ठीक है उद्देश्य क्या था पेड़ों को काटने से बचाना और पर्यावरण का संरक्षण करना ठीक है ये उद्देश्य था सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में देख लीजिए ये क्या थे एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ता थे पुरस्कार इन्हें क्या क्या मिले हैं देख लीजिए 1984 का इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला 1985 का वृक्ष मानव पुरस्कार मिला 1981 में इन्हें पद्म पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार मिला 1983 में जमुनालाल बजाज पुरस्कार मिला और 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला था ठीक है तो ये सारे पुरस्कार जो हैं इनको मिले थे याद रखिएगा ठीक नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि तो थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है पंजाब एमपी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा बताएंगे सभी लोग किस टीम ने जीता है ठीक फिर से वॉइस चली गई क्या आ रही है ना तो हम्म ओके चलिए सभी लोग बताइए राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्स का आंसर आ चुका है हरियाणा और लोग भी बता दीजिए जल्दी से चलिए ठीक है वेरी गुड हरियाणा जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है राइट आंसर हमारा हरियाणा हो जाएगा ठीक है जीता कौन है भाई हरियाणा जीता है लेकिन ये जो आयोजन हुआ था सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का ये हुआ कहाँ पे था ये हुआ था नोएडा में कहाँ पे हुआ था भाई नोएडा में किया गया था ठीक है नोएडा में चलो देख लो नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जो है बालिका और बालक वर्ग यानी कि दोनों ही वर्ग का हरियाणा राज्य ने उसमें जीत हासिल की है थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप आयोजन कहाँ हुआ था शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ठीक है कहाँ पे नोएडा में विजेता कौन रहा है हरियाणा रहा है बालिका और बालक वर्ग में ठीक है फेयर प्ले अवार्ड जो है वो किसको मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है ठीक है किसको मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है क्लियर है सभी को चलिए ठीक तो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके हैं अब सभी लोग ये बता दो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो कौन है ठीक है जल्दी से बता दो अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था है ना हरियाणा के नए मुख्यमंत्री जो है वो कौन है सभी लोग बता दीजिए सभी लोग बताओ भाई हरियाणा के सीएम कौन है बताइए याद नहीं आ रहा चलो भाई मैंने आपको बताया भी था कि हरियाणा के जो नायर नहीं है भाई मनोहर लाल खट्टर भी नहीं है मनोहर लाल खट्टर ने अभी हाल में ही इस्तीफा दिया था मैंने आपको अपने करेंट में ही पढ़ाया है इसीलिए मैंने पूछा ठीक है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया था अब जो हैं वो कौन बनाए गए हैं नायब नायब सिंह सैनी जो हैं वो बने हैं हरियाणा के सीएम, ठीक है सभी लोग याद रखना हरियाणा के सीएम कौन बने हैं नायब सिंह सैनी ठीक है चलिए पहले वाले पता है अभी वाले नहीं भाई अभी वाले तो पता होना चाहिए पहले वाले तो कोई बात नहीं पहले वाले तो अब चेंज हो गए ना चलिए कोई नहीं नायब सिंह सैनी है ठीक है क्लियर है सभी को याद रखना सब लोग ठीक है ओके चलिए हाँ, नायर नहीं है अमित नायब है नायब ठीक ओके मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया था तो इसको याद रखिएगा ये करेंट शायद आप लोगों को नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पर मैंने अभी अपनी क्लास में कुछ ही दिन हुए होंगे जब इस्तीफा दिया है उसी के अगले दिन आपको ये जो कमेंट करेंट है उसमें मैंने पढ़ाया भी था ठीक है चलिए ओके हाँ ओके अच्छा इस समय जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो कौन है बस इतना बता दीजिए और फिर सारा कंप्लीट है ठीक है चलिए जल्दी से बता दीजिए हरियाणा स्टेट के राज्यपाल जो है वो कौन है इनको शपथ जो है वो किसने दिलवाई होगी नायब सिंह सैनी को सभी लोग बता दो क्योंकि शपथ जो है वो प्रदेश के राज्यपाल राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है ठीक है चलिए सभी लोग बता दीजिए वेरी गुड राजेंद्र का आंसर आया है सबसे पहला राम राम वीरभान सैनी राम राम ठीक है बिल्कुल सही है बंडारू दत्तात्रेय हैं ठीक है, है। राज्यपाल कौन है बंडारू दत्तात्रेय हैं ठीक और इन्हीं के द्वारा नायब सिंह सैनी को शपथ जो है वो दिलाई गई क्योंकि राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो उस राज्य के सीएम को शपथ दिलवाते हैं ठीक है, है। चलिए वेरी गुड बंडारू दत्तात्रेय राइट आंसर ठीक है सभी का ठीक है ओके वेरी गुड तो आज के करंट अफेयर हमारे यहीं पे एंड होते हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देना और शेयर कर देना ठीक है चलिए बाकी जो भी लोग सोच रहे हैं कि कहां से मिलेगा कैसे क्या होगा तो सारा कुछ आपको मिलेगा बस आपको क्या करना होगा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा वहीं से आपको सारी पीडीएफ जो हैं, वो देली, देली है वो डेली डेली मिलती हैं ठीक है चलिए ठीक हम्म ओके ठीक है चलिए तो फिर आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सभी लोगों को बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत